नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो है सोमवार का, आखिरी सोमवार था, मतलब कि आखिरी सोमवार नहीं, आखिरी सोमवार का व्रत था सावन का। तो मैंने तो 5 व्रत रखे थे, क्योंकि पंडित जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा 7 या फिर 5 व्रत रह सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन था। और ये 28 तारीख का वीडियो है। इस दिन बोला गया था कि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, तो आप शिव जी की फैमिली की पूजा करोगे और इस तरह से विधि विधान से, तो उसका बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और मुहूर्त था सुबह के 9:00 से, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 12 बजे तक था। तो मैंने ये पूजा सुबह ही कर ली थी, उसके बाद मैं रेडी होके अपने पुराने वाले घर चली गई थी। बताया जा रहा था कि ऐसा शुभ मुहूर्त 19 साल बाद ये ऐसा योग आया है, और जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो भगवान शिव जी की फैमिली की पूजा करने से, उनसे सच्चे मन से मनोकामना करने से आपकी फैमिली में सुख शांति बनी रहती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, मुझे पहले ही पता चल गया है तो मैं भी पूजा इस तरह से कर लेती हूँ। तो बस आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और ये सोमवार का वीडियो था तो मैंने बस इतना ही बनाया था और आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुप्रभात। मेरे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज है 30 अगस्त और अभी हम लोग निकल रहे हैं बलरामपुर से उन्नाव के लिए। मैं जा रही हूँ, सृष्टि जा रही हूँ, सृष्टि की मम्मी जा रही है। और तो बस हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं और बाकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, तो व्लॉग में पूरा बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर में ही हमारी ट्रेन है, तो बस हस्बैंड जी छोड़ने जाएंगे स्टेशन तक, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो व्लॉग में पूरे बने रहिएगा और देखते हैं कहाँ तक ये व्लॉग जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी पूरा व्लॉग बनाने की। और कैसे हैं आप सब? आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। पता नहीं ये व्लॉग आपको पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, वैसे आज 30 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे भी है डेट के हिसाब से। वैसे मेरा जन्मदिन तिथि से मनाया जाता है शुरू से ही, और डेट के हिसाब से आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय। तो दोस्तों, अभी हम अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं, बिल्कुल टाइमली ट्रेन आई है। थोड़ा सा हम लोग पहले पहुँच गए थे, तो वो तो अच्छी बात है कि टाइम से पहुँच जाना और ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। खेलो खेलो, सो जाओ, भूख लग गई, अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी। तो अभी बैठे बैठे टाइम हो गया था मेरा शेक पीने का, क्योंकि यही मेरा नाश्ता है। और मॉर्निंग में मैं जब निकली थी घर से, तो मैंने अपनी चाय पी ली थी, तो ये नाश्ते का टाइम हो गया था। वो ट्रेन में थे तो मैंने कहा चलो अपना नाश्ता भी कर लेते हैं, और उसके पहले मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है, तो वो पहले ले लेंगे, उसके बाद शेक लेंगे। क्या कर रही हूँ? इधर बात करो। हेलो, और यहाँ पे मेरी सृष्टि के साथ में बातचीत हो रही है। कल वो वृंदावन जाने वाली है, तो बहुत खुश है, बस वहीं के बारे में बात करती रहती है। अपना लगाई तो नहीं, इतने दो बूंद से पाया क्या हो जाएगा? उसमें रख ले, अपने अपने झोले में डालो, उससे झोले में रख ले।
यहाँ पे मैं अपना शेक भी पी रही हूँ और सृष्टि से बात भी करती जा रही हूँ। हमारी बातें जब होती रहती है ना तो ख़त्म नहीं होती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हम लोग लेके बैठ जाते हैं। मैं अपनी बचपन की बात बताती रहती हूँ और वो अपने स्कूल की बातें बताती है, अपनी फ्रेंड्स लोगों के बारे में बताती रहती है। और बोल रही थी चाची वृंदावन जाएंगे तो अपने दोस्तों के लिए ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे, तो यही सब बातें हो रही थी। और अभी जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं तो वो इंटरसिटी है जो कि बलरामपुर से हमें लेके जाएगी ऐसबाग तक, और ये गोरखपुर से आती है। कभी कभी लेट भी जाती है, कभी कभी बहुत टाइमली भी आती है। आज शायद थोड़ा सा लेट थी 5 मिनट, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ये ऐसबाग तक जाएगी। वहाँ से हमें बस करके जाना रहेगा उन्नाव के लिए, क्योंकि अगर हम दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और क्योंकि वो बहुत रुक रुक के जाती है, बीच में रुक जाती है तो पता चले हमको किस टाइम जाना है, हम किस टाइम पहुंच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बच्चे परेशान भी होने लगते हैं, उबने लगते हैं। तो बस हम लोग वहाँ से ऐसबाग से चारबाग के लिए जाएंगे। चारबाग से हमें वहाँ से बस मिल जाएगी कानपुर के लिए, जो कि रास्ते में हमें उतार देगी उन्नाव पहुँचने पर। क्या कर रहे हो? कौन बनेगा करोड़पति? खेल रही हो? कितने करोड़ जीते हैं आपने? इसमें पॉइंट्स मिलते हैं ना? पॉइंट्स मिलते हैं 500 का है ये। ओ शेट, 500 भी खाते हैं किसी बात से गए। सिस्टम लोग गोंडा पहुंच गए हैं। अब गोंडा पहुंच गए। हाँ, गोंडा नानी के दादी के पास चलोगी? नहीं, अभी हम लोग उन्नाव जा रहे हैं, लोग नानी के पास जा रहे हैं ना। मतलब तुम जा रही हो अपनी नानी के पास, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, है ना? क्यों ये है? सृष्टि, सृष्टि कल कहाँ जा रही हो तुम? वृंदावन। वृंदावन कान्हा जी से मिलने? हाँ, उनको राखी बांधने ना। उनको राखी बांधने जा रही हो? उनको दे देंगे कहीं बाकी बिहारी जाएंगे राखी लेके जाएंगे। अच्छा, वो बांधते हैं माला, कान्हा जी को राखी बांधते हैं, माला लाए पहनाते हैं। हम भी पहनाएंगे कल, बांधेंगे भी राखी कान्हा जी को। उनको माला भी पहनाते हैं, आप लोगों को तो नहीं पहनाते माला, कुछ ही लोगों को माला पहनाते हैं, बस पहनाते हैं वो अपनी मर्जी से पहनाते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोंडा स्टेशन, गोंडा जंक्शन है। चलो, और अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं बादशाह नगर। यहाँ पे आधे से ज़्यादा ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई है, तो सृष्टि मुझसे बोली चाची चलो थोड़ा सा घूम टहल के आते, तो बस ये यहाँ से वहाँ बस चल रही थी, तो मैंने इनका थोड़ा सा क्लिप बना लिया। और 2-3 स्टेशन छोड़ के फिर हम लोगों का भी स्टेशन आ जाएगा ऐसबाग। फिर वहाँ से जैसा मैंने आपको बताया कि हम बस से जाएंगे, तो बस आगे का सफ़र वहाँ से शुरू हो जाएगा। और मेरा स्टेशन आने में कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा चलो अपना सैलेड खा लेते हैं, भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी, और टाइम भी हो रहा था सैलेड खाने का, तो मैंने सैलेड खाया। और सृष्टि को भी पूछा, उसको मैंने एप्पल दिया था क्योंकि वो बीट रूट और कैरेट नहीं खाती है, सिर्फ एप्पल उसको पसंद है, तो मैंने उसको सिंपल एप्पल दे दिया था एक खाने के लिए। और यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और नींबू उसमें निचोड़ दूँगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है खाने में, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपना सैलेड इंजॉय किया और पूरा फिनिश किया, मेरे स्टेशन आने से पहले मैंने खा लिया था। Down. Oversized jumper with her underwear out.
तो अभी दोस्तों हम लोग अपनी बस में बैठ गए हैं। बड़ी मुश्किल से बस मिली है। दो बसें बिल्कुल फुल भरी हुई थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, सब खड़े होके जा रहे थे। ये बस बिल्कुल खाली निकली, लग नहीं जा रही थी। बस हम लोग फटाफट से बैठ गए सबसे आगे वाली सीट पे, और जब हम लोगों ने टिकट कटवाया दोस्तों, तो पता चला कि हम लोगों का फ्री में टिकट कटा है और हम लखनऊ से उन्नाव बिल्कुल फ्री में जा रहे थे। तो ये गिफ्ट है हम लोगों को अपनी सरकार की तरफ से। तो बस दोस्तों मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया था, इसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया था। तो यदि ये ब्लॉग कहीं भी पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।